मध्य प्रदेश मानसून अपडेट, चंबल उफनी, मुरैना के 40 गांव में अलर्ट, 22 से फिर भारी बारिश के आसार। मध्य प्रदेश में फिलहाल बारिश का दौर तो थमा हुआ है, लेकिन पिछले हफ्ते हुई भारी बारिश के कारण नदियां उफनी हुई हैं। राजस्थान के कोटा बैराज बांध से चंबल में 2.85 लाख क्यूसेक पानी मंगलवार तक छोड़ा गया है। मुरैना और भिंड में चंबल उफना गई है। प्रशासन ने तटवर्ती इलाकों में खतरे की आशंका को देखते मुनादी कराई है और राजस्व टीमों को तटवर्ती इलाकों में निगाह बनाए रखने के लिए कहा गया है। इंदौर में भारत ऑस्ट्रेलिया मैच से पहले फिर बारिश का अलर्ट, 24 सितंबर को मैच। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच 24 सितंबर को इंदौर में होने वाला है। 23 सितंबर को दोनों टीम इंदौर पहुंचेंगी। पिछले दिनों इंदौर में हुई जोरदार बारिश के बाद मौसम खुला हुआ है, लेकिन पिच बनाने और मैच कराने के लिए अब 3 दिन मौसम खुला रहना जरूरी है। हालांकि मौसम विभाग ने 22 सितंबर से बारिश का सिलसिला शुरू होने की संभावना जताई है। महाकाल मंदिर का अन्न क्षेत्र 5 स्टार होटल जैसा, सब्जी कटने से लेकर बर्तन धोने के काम मशीनों से 1 लाख लोग कर सकेंगे भोजन। उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर में हाईटेक अन्न क्षेत्र तैयार किया गया है। 50,000 वर्ग फीट में बने विशाल अन्न क्षेत्र की लागत 27 करोड़ रुपए है। 2 मंजिला भवन में दिन भर में 1 लाख लोग भोजन कर सकेंगे। खास बात है कि इसमें सब्जी काटने से लेकर खाना बनाने और बर्तन धोने तक सभी काम मशीनों से होगा। नए भवन में एक साथ करीब 8 से 9 हजार श्रद्धालु भोजन कर सकेंगे। दावा है कि ये देश का सबसे बड़ा और हाईटेक अन्न क्षेत्र है। 22 सितंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस भोजनशाला का लोकार्पण करेंगे। फार्मर प्रोटेस्ट, फिर बड़े आंदोलन की तैयारी में किसान, 20 मार्च को दिल्ली में जुटने का आह्वान। संयुक्त किसान मोर्चा ने कुरुक्षेत्र में एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में यूपी, हरियाणा, पंजाब समेत कई प्रदेशों के किसान संगठन शामिल हुए। 20 मार्च को दिल्ली कूच की तैयारी की जा रही है। फिर एक बार दिल्ली की सड़कों पर किसानों की भारी भीड़ दिखाई देने जा रही है। पूर्व विधायक ममता मीणा ने छोड़ी भाजपा, कार्यशैली और विवादों को लेकर चर्चाओं में रहीं। चांचौड़ा सीट पर भाजपा का टिकट घोषित ही जाने के 32 दिन बाद उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। वे मंगलवार शाम को पार्टी के प्रदेश कार्यालय पहुंची। उन्होंने भोपाल पहुंचकर प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी को इस्तीफा सौंपा। सूत्रों के अनुसार वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर सकती हैं। मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन की रैली टलने से अटकलों का बाजार। नवगठित इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस या इंडिया की पहली रैली भोपाल में अक्टूबर के पहले हफ्ते में प्रस्तावित थी, पर इस रैली को स्थगित कर दिया गया है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने एक बार फिर कश्मीर मुद्दा उठाते हुए कहा है कि भारत और पाकिस्तान द्वारा बातचीत के जरिए इसे सुझाने से क्षेत्र में स्थिरता आएगी। उन्होंने कहा, तुर्की इस दिशा में उठाए जाने वाले कदमों का समर्थन करना जारी रखेगा। भारत सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, पर बार बार कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया है। भारत ने कहा, एक्स कानूनों का पालन नहीं करता, इस बात की दी चेतावनी। सरकार ने यह बात दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक की एक अदालत में एक्स की ओर से दायर एक अपील के जवाब में कही है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा है कि भारत आज चांद पर पहुंच चुका है। भारत के पास आज खजाने में 600 अरब डॉलर हैं। वहीं पाकिस्तान 1-1 अरब डॉलर चीन और अरब देशों सहित दुनिया भर से मांग रहा है। ऐसे में हमारी उनके सामने क्या इज्जत रह गई है? हम कंगाल होने की कगार पर हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम की सरकार ने देश को डिफॉल्ट होने से बचाया है, वरना देश में पेट्रोल के दाम 1,000 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच जाते। रीवा जिले में शहर से लेकर देहात तक अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं है। आलम है कि आए दिन शहर में सरेराह गाली चलती है। सोशल मीडिया में नाबालिग बच्चे पिस्टल व कट्टे की फोटो पोस्ट करते हैं, इसके बाद भी रीवा पुलिस हाथ पर हाथ रखे बैठी रहती है।